हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने मंडी में अपनी पहली एकेडमी खोल दी है। हमीरपुर से भाजपा के सांसद एवं एचपीसीए के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने मंडी शहर के साथ लगते गर्ली में स्थित इंडस ग्लोबल स्कूल परिसर में इस एकेडमी का विधिवत शुभारंभ किया। अनुराग ठाकुर ने स्कूल के ही बच्चों के हाथों रिबन कटवाकर इस एकेडमी की शुरुआत की और हाथ में बल्ला पकड़कर थोड़ी देर तक क्रिकेट भी खेला। मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत के दौरान अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में एचपीसीए ने 70 क्रिकेट एकेडमी सेंटर खोलने का निर्णय लिया है ताकि ग्रामीण स्तर पर बच्चों को क्रिकेट की बारीकियां सिखाई जा सके और इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका दिया जा सके। अनुराग ठाकुर ने बताया कि इसकी शुरुआत मंडी से की गई है और यहाँ पर यह पहली एकेडमी है। उन्होंने कहा कि गांव में छिपी प्रतिभाओं को तराशा जाएगा, इसी उद्देश्य से एचपीसीए ने मिशन 70 के तहत प्रदेश भर में 70 क्रिकेट एकेडमी सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर अनुभवी कोच एचपीसीए की तरफ से रखे जाएंगे और युवाओं को क्रिकेट की बारीकियां सिखाने के साथ साथ उन्हें आगे बढ़ने का मौका भी दिया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने इंडस ग्लोबल स्कूल का आभार जताया कि उन्होंने एकेडमी खोलने के लिए स्कूल परिसर में स्थान दिया है और अब इसका लाभ यहाँ के आसपास के खिलाड़ियों को मिल सकेगा। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ ने देश में एक अलग शुरुआत की है, मिशन 70, जो 70 क्रिकेट सेंटर्स हिमाचल प्रदेश के अलग अलग कोनों में बनेंगे। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि मंडी में आज पहली शुरुआत हुई है, तो इंडस ग्लोबल स्कूल में एचपीसीए की एकेडमी की शुरुआत हुई। मैं स्कूल का आभारी हूं कि इन्होंने हमें यहां पर एकेडमी बनाने का अवसर दिया। जिला के अध्यक्ष अजय राणा जी ने प्रयास किए तो यहां पर एक बड़ी सुविधा यहां के विद्यार्थियों को, आसपास लगते गांव के बच्चों को मिलेगी और यहां से जिस तरह पहले ऋषि धवन और बाकी खिलाड़ी आगे निकले हैं और प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिल पाएगा।